हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव पार्ट टू। चलिए, एप्लीकेशन चल रही थी हमारी सिक लीव की, जिसमें मैं आपको लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मेट समझा चुकी थी। सिक लीव की एप्लीकेशन में फॉर्मेट क्या रहता है, आपका राइट हैंड साइड क्या आता है बेटा, डेट आती है। फिर लेफ्ट हैंड साइड हम क्या मेंशन करते हैं, उसका हेडर में क्या रहता है, टू मीन्स के लिए, किसके लिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, लिख रहे हैं वो, उसका नाम, उसकी मतलब पोजीशन यहाँ मेंशन करते हैं। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल है ना, फिर उस स्कूल का नाम क्या है, जिस स्कूल का भी नाम होता है वहाँ मेंशन करते हैं, उसके बाद उसका पूरा एड्रेस। फिर आता है सब्जेक्ट, आप चाहें तो उसी के नीचे हेडर के तरीके से, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या बीचों बीच सेंटर में भी लिख लेते हैं कई लोग, है ना। सब्जेक्ट क्या है अपना, सिक लीव एप्लीकेशन है, किसके लिए, सिक लीव के लिए। सिक मींस बीमार और लीव मींस छुट्टी, बीमारी की एप्लीकेशन है, छुट्टी की एप्लीकेशन। बीमार के होने के कारण आप क्या कर रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मींस प्रार्थना पत्र। फिर आता है रिस्पेक्टेड सर मैडम, और फिर आता है बीच में अपना मैटर, जो भी हम पूरा अपने मैटर, अपना मतलब पूरी कंडीशन बताएंगे कि मुझे क्या हुआ है, किस तरीके से, मैं कितने दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर आता है आपका लेफ्ट हैंड साइड ही थैंकिंग यू आता है, मतलब धन्यवाद बोलेंगे हम उनको। और फिर आता है आपका राइट हैंड साइड, उसका हेडर, सबसे फुटर। फुटर मींस सबसे लास्ट में जो फुटर मतलब नीचे आते हैं, जिसमें क्या आता है, योर ओबिडेंटली, ओबिडेंटली मींस आज्ञाकारी, फिर आपका जो भी नाम है। नेक्स्ट, अब अपन इसको लर्न करेंगे। टू मैंने जैसे बताया था, डेट मान लीजिए, आज हमारी डेट क्या चल रही है, आज हमारे पास डेट है, मान के चलिए आज हमारी डेट क्या है, मैं अगर डेट अगर बात करें तो आज की डेट है हमारी 29 में हम, अगर 29 डेट है या 28 है, जो भी डेट है आप वहाँ मेंशन करेंगे और लिखना। फिर हमने स्टार्ट किया टू लिखकर, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम क्या है हमारे, कान्हा पब्लिक स्कूल, टू द प्रिंसिपल कान्हा पब्लिक स्कूल, चार शहर का नाका। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये आपको लर्न करना है इतना पूरा, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, आपके अगर प्रिंसिपल सर हैं तो सर का नाम लिखिए, मतलब नाम नहीं केवल पोजिशन, ठीक है, और ना वो हैं मैडम है तो मैडम लिख दीजिए। फिर माय नेम इज़ प्रगति भदौरिया, जो आपका नाम है, लर्न नहीं करना है इसको, ये आपका डैश में है, आपका जो नाम है एक्चुअल में वो नाम लिखना है। अगर मैडम का नाम प्रगति भदौरिया है तो उसने मैडम ने अपना नाम लिख दिया है, अगर आपका नाम स्नेहा यागी के तो आप अपना नाम लिखेंगे, या आपका नाम ध्रुव शिवर है तो आप अपना नाम मेंशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। माय नेम इज डैश, जो भी आपका नाम है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, अगर फर्स्ट का बच्चा हो तो फर्स्ट लिखो, थर्ड का हो थर्ड लिखो, सेकेंड का सेकेंड लिखो, है ना। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास जो भी है। आई हैव वीन सफरिंग, सफरिंग मीन्स पीड़ित होना, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, यानी कि पीड़ित हूँ, किससे, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स किससे, से फीवर, फीवर से यानी बुखार से, फीवर मीन्स बुखार, बुखार से पीड़ित हूँ, फॉर द लास्ट टू डेज, किस देर से, पिछले दो दिनों से, लास्ट का मीन्स पिछले, पिछले दो दिनों से मैं क्या हूँ, फीवर में हूँ, यानी कि बुखार में हूँ। सो आई कांट कम टू स्कूल, इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता, कांट मीन सकना सकनी, सो मीन्स इसलिए, सो आई कांट कम टू स्कूल, इसलिए मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, आ नहीं सकता, कहाँ, स्कूल, स्कूल नहीं आ सकता, फॉर द नेक्स्ट टू डेज, किस कब तक के लिए, आगे आने वाले दो दिनों के लिए, नेक्स्ट मीन्स आगे, आगे के दो दिनों तक मैं स्कूल नहीं आ सकता या आ सकती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करता हूँ, टू किस किस तरीके से प्रार्थना करता हूँ, काइंडली, काइंडली मीन्स दयालुता से, है ना। ग्रांट मी, आप क्या करें, ग्रांट, ग्रांट मीन्स स्वीकार कर लें मुझ मेरी एक एप्लीकेशन, जो भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आपके प्रार्थना कर रहा हूँ, उस प्रार्थना को आप क्या कर लें, ग्रांट कर लें, स्वीकार कर लें। मी अ सिक लीव, सिक लीव, सिक मीन्स बीमार, लीव मीन्स छुट्टी, बीमारी की लीव को स्वीकार कर लें, फॉर कितने दिनों के लिए, टू डेज, दो दिनों के लिए। आई शैल बी ऑब्लिक, मैं क्या रहूँगा, आई शैल बी ऑब्लिक टू यू, तो मैं क्या रहूँगा, ऑब्लिक मीन्स आभारी, मैं आभारी रहूँगा इसके लिए, जो आपने मुझे छुट्टी दी है ना दो दिन की, इसलिए मैं आपका आभारी रहूँगा, थैंकिंग यू यानी कि धन्यवाद। योर ओबिडेंटली, ओबिडेंटली मीन्स आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी बच्चा या बच्ची, जो भी नाम है आपका, वो नेम मेंशन करो, क्लास करो, इस तरीके से यह हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को लर्न करके एंड राइट करके मैम को दिखाना है। ओके, थैंक यू।